नमस्कार पारिजा चैनल में सब दर्शकों बहुत बहुत स्वागत छू। तो दगड़ियों में हाजिर छी आप लोग दगे एक उ जमाना बाद लीवे जब है चौथ चप्पल लियो जी। आज समय में जी एक आदिम पर पार्टी वियर अलग सीन, घर भीते जाने अलग सीन, टॉयलेट बाथरूम अलग सीन, और साग सब्जी लूनी अलग सीन, घूमनी अलग सीन, जाएगी नहीं होनी रेको में एक एक ज्वात दस जोड़ी ज्वात करी होने वो जमाना बात जब है बिल्कुल ज्वात चप्पल नहीं होती। याद है कि कुछ हमारा अम्बू इस बाजू तक ले थोड़ा पसा चलो पहली बगर चप्पल है घर पुन जाची खूट उनार या सगाची जैसे चमड़ चमड़ है बेले ज्यादा उनार खूट मजबूत हो ची। जब वो पैदल जाची तो भैरे छिलक उनार या सगोची खुटांग तवाटांग जब हमारे कोमल छुए हरी घास खुटे को तो हम छेद है जानी खुटो में उनार खुटे आसी की जासकास कान किलमोड़ जास कान हिसाऊ जास कान छोट मट बेरिक जास काना गणी तो वो टेढ़ा जैसे उन्हें खुटा वो तो सख्त हो जी उन्हें खुटा तवड़ और अब कोई मेहो जास कान मनियो जास कान या कान उनको बुढ़ जी आए गाड़ा उन्होंने पलगने खेड़ो फिर हिटते गए खून आई बिलाई जे आई उसके हिट दीजिए बिना चप्पल है। तो उस जमाने में जब हम स्कूल जैसी तो बहुत चप्पल पहली पहली हम लोग कम पहनी उसके भेज दिन आए हमको चोरी ला जैसे उन दिना चप्पल को जब दूसरा चप्पल को तागरे आया नंदी निन्ने जैसे ये दोहरो चप्पलों को हम बगर चप्पल स्कूल जैसी एक दगड़ी आई है मेरे चप्पल में अब भैया वहाँ वो दगड़ी पहन मेरे दिन भर अंगा घल में यार मेरे जरा आपको चप्पल दे दी तू आपको चप्पल दे दी का भक्त बनी हुई सारे दिन बड़ मुश्किल में इज मारे मेरे बाप मारा गने भी तीसार सौ दिन में एक दिन चप्पल दी पहनू वो चप्पल को पहन में जब घर हो रहा है तब मेरे गांव चली फिर मेरे सेवक बन गए बाट पर ले यार हमको दीदे जरा चप्पल जरा हमको दीदे पहनू चप्पल तो मेरे बैग लग मिल रही और मेरे को कब तक घुगी में भटाई लू रही कब तक कानी में भटाओ रहा है पहले का खेल लो उसे घुगी में कानी में भटाओ नहीं सवारी और कौन सा हम झूला उला देख रहा थी और तो उसके लुनिहाई और मैं बैग ले लू रही पर कब तक एक कहकर एक चप्पल जुरा पहनू कहकर दूसरे के एक चप्पल जुरा दू चप्पल एक दिए ना पहनू सारे बैठिश के आई और फिर भी पहनू रो आई बिल्कुल प्रधानमंत्री जस पहन भी हो यार तेरी पक्की दगड़ी है तेरी चप्पल दी गई पर जब आई घाघाट हो गए जब वहां मेरे घा लग नूला काट मेरे दिन अब हो आई देली स्कूल घर जानते चप्पल स्कूल जानते चप्पल देली मैंने तो बल्कि मैं एक अदा झगड़ा गई वो घुरे ले दी धांग मार दी भी मुनोम लग गई कहला शिकायत कर दी वह तभी मार रही है कने वी आम आ गए हम घर है तीन में नाचन के धांग मारे थे मैं नाचन के धांग मारे वी नाचन को आम आम कैल मारो मेरे धांग वीर मेरे धांग मारे ना मैं अपना हाथ ठोकर लाई हुई भूली बड़ी तो तब जब आम शांति रही उनको वो किलो पूरा पे वो छोरी उम्मीद है मारो कने किलो वो तो मैं चप्पल पहनना आई पर जब इनको देख मिला आम है बेटे मार मचा रहे मेरी चप्पल दे पहनो पर जब वो चप्पल दी मिल पाई तो भाई हतु कला ना भैया जो लकड़ा गढ़ा लू छी घा गढ़ा लू छी पिरुआ गढ़ा लू छी जंगल जाइ छी खेतों में जाइ छी चाहे मैं ऐसे ले छिया जब हवा बांची वो नौवा खुमा में वो गेहूं खुमा में उसके बद है उनको बिल्कुल त्यार से कर दिनी है सब जग मैच ले सहनी ले बिना चप्पल ले जाता देनी है चाहे वो गोरू गुआव जैसी बकरा गुआव जैसी बाजार जैसी कहीं जैसी और पड़ू वहां जैसी बिना चप्पल ला है सब तो आज चप्पल गाने कहे जंगल जैसी बिहार टॉयलेट बाथरूम से चाहे वहां जैसी लेकिन स्वस्थ रुचि बता लोग कोई यश रोग व्यास तो नहीं थी खान पीण में सब भल थी और जब हम स्कूल में जी जैसी हम कब आपको नाखूनों को काट भी नहीं जी नहीं और कभी ना शनिवार दिन में बाल सभा हो जाएगी जब अरे यार नाखून चक्कर ही माशा बार नाखून चक्कर ही कहो हम लोग डीजल है आपको नाखून इसी चीज काटा एक सौ सौ ग्राम माट एक नाखून भी देर हमारे जमहर नहीं है गिजम बटी पुर 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 का ना हम उगलो थोक नहीं है और वो माट ले खड़ी नहीं है गंध तो हमारे नाखून हो रही है और छिलड़ ली जी पैसन छिल जी वील घर पर जो घा काटने दातुन हुई वील है तो साप आल वील काट लेने आए धुरे दाई उसके वो दातुन होगी तो वील पैसन छिल नहीं हम कहेगा बाबू आप जाएगा बाबू इधर उठा बिहार नौकरी करने जा शायद वो लोग तो कह नहीं जय बाबू घर पर है मेरी दाढ़ बनू ना लू जब वो बिल्कुल एक बाव लेने काटना कुछ बेर बेकार है जिन्हें वो बलेट जी नहीं आए जो यार छिलो पैसन तो वही पिछाड़े पड़ जी हम यार आदू पैल आदू हमको दे दे बलेट आदू हमको दे दे जब वो बलेटो आदु बड़ मुश्किल तो वी हाथ पैर पर छुट्टी नहीं है जब जो ये बलेट डरू नहीं है फिर ऊपर वाला दोहर मांगनी है तो वो आदु को अगला आदू करो है बलेट को पर अपने बल लगन हो बारी इसी के गाने काटने रे छिलने रे नहीं कर दिन को पर तब हम बलेट छिल छी हस तो वो जमान छी उससे उन दिनों नाक छेड़ू हो
नाक छेड़े गलो दर्द आईलो उरो हमको आजकल जो चट करने नाक छेड़ दीनी एक कील लग दीनी या कहे कोई छेड़ने नहीं कोई इतराज ना कहे कि कील नहीं छेड़ रहे उन दिन हमारे बहड़ू का भाई नाक छेड़ने ये बोली मारनी बहड़ू नाक छेड़ी सी जैसे उसे आदू तोले की तो हमको भाई पहने दीनी है वो भाई भी नहीं नाक नाक छोड़ो पे बाजी नहीं है एक डोर बाजी नहीं है वो शानल बहुत बहुत जी है रहती है प्योर हजी नहीं नर नर लग जी नहीं नाक के पक्का का तक झगड़ा है वो खींची दिन है वो डोर है आपका मौको कौन जो पीड़ लाए पीड़ो तीन चार महीने लग जी है ये नाक को पूजो तो घिनोड़ो बीट लगाओ ये वॉश लगाओ रहती पर आजकल लगे छड़े जी नाक कुछ जरा सा दूसरा टाइप अच्छी बस संसाधन लगे करनी चाहिए याद कर रहे थे ये वो लोगों को जो रोज रोज नहीं सकती और भली कने खा नहीं सकती जो जोले खेत पैट पर निर्भर सी वो लोग और क्यों जी लकड़ लिवसी जंगल बची लकड़ा के जगह जगह बेर फूक फूक बेर मुनाव भीड़ कर बेर चाहे चौमासा भिजी हो चीं चाहे कहाँ से लकड़ हो चीं भिजी हो चीं के गैस तो छी ना कि कम कर दो ज्यादा कर दो गैस कर दो उनमें जी रोटाट पकुची इधू परिवार लो कुटुम लो जायदा होनी है आज तो इकलौता इकलौता परिवार होगा सबका अपन सेंड मेस और अपन नाना तक सीमित रह गए हम लोग लेकिन उधर तो दिरानी जिठानी वीक नान सासुरों ककी सासु ठूल सासु जट सासु और दिरानिया जिठानिया सब नाना तेना पर लगे भी कम से कम एक घर में 20-25 जने परिवार तो हुचे हुचे नीला होना ला 10-15 लोग तो तबलो होना और भी नानदीन लोग है जैसे एक नानदीन नानांगना चार चार पांच पांच नानदीन सात सात आठ आठ नानदीन है तो उस जमाने में क्या होती हूँ खां बनाने लगे स्पीड उनमें ये सोची एक धनी रसार है एक्सपर्ट फटाफट खां बनेंगे नान होना तो हमारे रोज सुविधा है ना मुनाव में झूला हो रही है लिख लो उनको चमक नहीं आई क्यों उनको चाणो के फुर्सत है नहीं और तब क्या करनी है फटाफट फटाफट रोट पकाया उन्होंने तौम खेता चुलपन खेता पाको ये तो बड़ी स्वाद उन्हें हुई है तो क्या कर सा तेज में रोट बने दिन है कब तक लाबड़ो कम धीम हो गई के हो गई चुलपनो वो एक रोट को पाइप में तब तक आपको खरम धर दिन है वो रोड और बकाई में ठुनी हुई फिर वो मुझे लिख जा चमक रही है फॉर्म चमक नहीं मात्र रोड धर दिन है फजा रोट हम पकड़ दिन है सची हम खल दिन है वो मैल को चैन खाना में इसके बाजवे ले आया गड़ा पर रोड लख दीजिए भाई जना भोगे स्वाद उसे ची और यही वो जमाना बाद जरा याद करो सौ सौ हजार बाद नमन उन खुटा के वो प्राणियों को जो नंग खुटा इधु कारबार कर गई और इधु धरोहर हम जोड़ गई धर गई घर पर तब आज हमर जदुलय पहाड़ स्वस्थ और मस्त सु व्यस्त सु तो वी कारण वी नंग खुटा जबेर उन लोगों को सजो भी रख रहे हमारे जी वही हमारे धरोहर छू और उनको एक दफे याद करो तो फिर याद है कि नमन उन खुटा में सौ बार हजार बार धन्यवाद मजबूत हूँ जो काट यार मांगा हुए चमड़े लगी तो मजबूत खुट चमड़ा ज्यादा मजबूत हो जी चप्पलों की बड़ो सोची वो टाइम पे तो जो तू